हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल नामदेव एकेडमी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नामदेव एकेडमी में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 27 अगस्त 2018 की जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में यहाँ बात की जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने करंट अफेयर्स के वो सारे मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, एक एक करके सबको डिस्कस किया जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो पाए। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है हमें कि हाल ही में देखो क्या हुआ है कि विधायक और जो सांसद हैं, सांसदों और जो विधायकों को रेट करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नेता ऐप। तो ये जो नेता ऐप लॉन्च किया गया है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए ये लॉन्च किया गया है भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं उनके द्वारा ये नेता ऐप है ये लॉन्च किया गया है। और देखिए इस ऐप के माध्यम से क्या होगा कि आपके जो भी पसंदीदा विधायक सांसद जो भी हैं उनको आप रेट कर सकते हैं। तो अब देखो सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं कि जो ये नेता ऐप है, तो ये नेता है ऐप है इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो देखिए इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रोलर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? नेशनल इलेक्ट्रोलर ट्रांसफॉर्मेशन इसकी फुल फॉर्म हो गई। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है हमें वो हमें दिया गया है कि हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है। तो हमें यही बताना है कि जो DRDO के नए अध्यक्ष चुने गए हैं वो उनका नाम क्या है उनका हमें बताना है। तो जो DRDO के नए अध्यक्ष चुने गए हैं वो किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है जी सतीश रेड्डी को। तो क्या आंसर हो जाएगा? जी सतीश रेड्डी हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा कि जी सतीश रेड्डी जी हैं इनको DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो गाइस यहाँ बात हुई है DRDO की, यहाँ पे बात हुई है। तो देखिए DRDO से रिलेटेड सारी चीज़ें जानना जरूरी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके फुल फॉर्म की, इंपॉर्टेंट है पूछी जाती है एग्जाम में। तो नोट डाउन कीजिए इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई 1958 में। अब बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे वो लिया गया है कि जो तेजिंद्र पाल है इनका संबंध किससे है। तो देखिए तेजिंद्र पाल की बात करें तो इनका संबंध है शॉटपुट से, ये शॉटपुट प्लेयर हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? बी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं कि इनका जिक्र क्यों किया गया है यहाँ पे। तो देखिए इनका जिक्र इसलिए किया गया है कि जो हाल ही में जो एशियाई खेल चल रहे हैं, एशियाई गेम्स 2018 जो चल रहे हैं उनमें जो तेजिंद्र पाल है उन्होंने शॉर्ट पुट में क्या जीता है? गोल्ड जीता है। तो इसलिए इनका यहाँ पे जिक्र किया गया है। अब यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि शॉर्ट पुट एक किस तरह का खेल होता है। तो देखिए शॉर्ट पुट की बात करें तो हिंदी में इसे कहते हैं गोला फेंक, ठीक है। तो जो गोला होता है किसका? लोहे का भारी सा गोला होता है, उसको क्या गर्दन के पास से लाके और उसको फेंका जाता है। तो जितनी दूर जाके वो गिरता है उसी के अकॉर्डिंग ये मेडल दिए जाते हैं। तो ये हो गया। अब ये हमने देख लिया कि एशियाई गेम्स 2018 चल रहे हैं उनमें इन्होंने शॉर्ट पुट में गोल्ड जीता है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो ये एशियाई गेम्स 2018 हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं। तो देखिए हो रहे हैं इंडोनेशिया के जकार्ता और पोलमबैक नाम की जगह है, इन दोनों जगह पे इनका आयोजन किया गया है। तो दोनों जगह यहाँ पे हो रहे हैं। और इस बार का जो एडिशन है 2018 एशियाई गेम्स का वो है 18th एडिशन है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है। अब बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि हाल ही में गेम चेंजर ऑफ द ईयर 2018 है इसका अवार्ड किसे दिया गया है। तो देखिए इसका अवार्ड दिया गया है इंदिरा नुई को। किसे दिया गया है? इंदिरा नुई को। तो बी हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं इंदिरा नुई है कौन। तो देखिए इंदिरा नुई की बात करें तो अभी ये कुछ ही समय पहले ये क्या थी? पेप्सिको की सीईओ थी, लेकिन अभी कुछ ही समय पहले
क्या हो गया, इन्होंने तो अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, मतलब ये तो रिटायर हो गई है, और इनकी जगह कौन आ गई है, रामन लागू आटा है, वो वर्तमान में पेप्सी को की सीईओ है। और जो ये इंदिरा नुई की बात करें तो ये लगातार 12 वर्षों तक ये पेप्सिको की चेयरमैन, मतलब कि चेयरमैन सीईओ रही थी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो आप सबको पता है कि हाल ही में जो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, इनका निधन हो गया, तो इनके ऊपर एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनने के चांस हैं। तो अब यहाँ बात कर लेते हैं कि देखो हाल ही में क्या हुआ है कि अटल बिहारी वाजपेयी पर एक नई पुस्तक जारी की गई, एक नई पुस्तक लिखी गई है। तो हमें यही बताना है कि वो नई पुस्तक लिखी गई है, उसका नाम क्या है उस पुस्तक का। तो देखिए ये पुस्तक है, इसका नाम है अटल जी ने कहा। क्या नाम है? अटल जी ने कहा। तो ये नई पुस्तक है जो ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं उनके लिए ये पुस्तक लिखी गई है। और इस पुस्तक की बात करें तो देखो इस पुस्तक में उनके भाषण, जहाँ जहाँ उन्होंने स्पीचेस दी थी, इंपॉर्टेंट स्पीचेस, और जो खूब सारी उनकी तस्वीरें वगैरह ये सब हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। तो देखिए इनका जन्म हुआ 1924 में, और इनका जो देहांत हुआ वो हुआ 16 अगस्त 2018 को। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं कि ये अटल बिहारी वाजपेयी है लगातार नहीं, सॉरी, मतलब 3 बार ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चलो बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमें, वो दिया गया है कि हाल ही में SGNP का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो अब सबसे पहले तो यहाँ ये देखते हैं कि ये SGNG है, ये है क्या? तो देखिए ये है संजय गांधी नेशनल पार्क। क्या है? संजय गांधी नेशनल पार्क। और ये है कहाँ पे? तो ये है मुंबई में। मुंबई कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं वो किया गया है रवीना टंडन को। तो जो रवीना टंडन है वो ये संजय गांधी नेशनल पार्क है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये हमने देख लिया। चलो बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि हाल ही में भारतीय महिला कबड्डी टीम है इसने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता है। तो देखिए जो भारतीय कबड्डी टीम है, महिला कबड्डी टीम, इसने हाल ही में जो ये चल रहे हैं एशियाई खेल, इनमें इन्होंने, भारतीय महिला कबड्डी टीम ने रजत पदक जीता है, यानी सिल्वर जीता है। ठीक है, अब यहाँ बात करें सिल्वर जीता है इट मीन्स ये रनर अप है। अब यहाँ बात करते हैं कि विनर की बात करें तो विनर कौन रही? तो विनर रही ईरान। कौन रहा? ईरान। अब ईरान ने क्या किया है? इंडिया को हरा दिया और इंडिया रहा सेकेंड नंबर पे रनर अप। तो इंडिया ने जीता रजत और ईरान ने जीता गोल्ड। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते ईरान की। तो ईरान की कैपिटल है तेहरान। क्या है? तेहरान। चलो बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है वो लिया गया है कि हाल ही में देखो क्या हुआ है कि जो ये सीनेटर जॉन मैकनन का निधन हो गया है। तो ये पूछा गया है कि भाई वो किस देश से बिलोंग करते थे, कौन से देश से थे वो। तो जो ये क्या है, सीनेटर जॉन मैकनन है, इनका निधन हुआ है वो थे अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका के थे वो। तो यहाँ ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं अमेरिका की। तो कैपिटल क्या हो गई? वॉशिंगटन DC। करेंसी की बात करें तो अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया की जो कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली, और करेंसी क्या है? करेंसी है रुपीस। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं रूस की। अब रूस की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है मॉस्को, और रूबल इसकी करेंसी हो गई। चीन की बात करते हैं तो चीन की जो कैपिटल है वो है बीजिंग, और करेंसी क्या हो गई? करेंसी हो गई युआन। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे भी दे रखी है, तो ये आप देख सकते हैं। मैंने बता दिया आपको कि अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन DC है, अमेरिकी डॉलर क्या होगी? करेंसी होगी, और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया की। कैपिटल मैंने बताई दी है, करेंसी भी बता दी है, प्रेसिडेंट की बात करें तो रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं रशिया की। तो रशिया की कैपिटल बताइए मॉस्को, और करेंसी भी बता दी रूबल, और व्लादिमीर पुतिन है ये यहाँ के क्या है? प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं चाइना की। तो चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग, और युआन क्या हो गई? करेंसी हो गई, और शी जिनपिंग है वो चाइना के प्रेसिडेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात कर लेते हैं गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है
कि हाल ही में जो ये INS विक्रमादित्य वायु विंग है, इसको किस देश ने अपग्रेड किया है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, INS विक्रमादित्य की बात करें तो INS विक्रमादित्य के जो वायु विंग है, इसको रूस है यानी कि रसिया है, इसने अपग्रेड किया है। ठीक है, तो ये देख लिया। अब यहाँ बात करते हैं, देखो रूस की बात हुई है तो रूस से रिलेटेड फैक्ट पता होने चाहिए। तो रूस से रिलेटेड फैक्ट की बात करें तो रूस है, रसिया है, इसकी कैपिटल क्या हो गई, मॉस्को हो गई, करेंसी क्या हो गई, रूबल हो गई, और व्लादिमीर पुतिन है ये यहाँ के प्रेसिडेंट हो गए। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं चीन की, तो चीन की कैपिटल क्या हो गई, चीन की कैपिटल हो गई बीजिंग, और युआन क्या हो गई, चीन की करेंसी हो गई, और प्रेसिडेंट की बात करें तो शी जिनपिंग है, वो चीन के प्रेसिडेंट हो गए। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं जापान की, तो जापान की करेंसी, जापान की कैपिटल क्या हो गई, टोक्यो हो गई, और एन जापान की करेंसी हो गई। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं नेपाल की, तो कैपिटल हो गई काठमांडू, और करेंसी होगी नेपाली रुपी। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीजें बता दी हैं मैंने, रशिया का मैंने सब कुछ बता ही दिया, कैपिटल बता दी, करेंसी भी बता दी, और प्रेसिडेंट भी बता दिया। अब देखो चीन का भी मैंने बता दिया है कि कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है युआन, और शी जिनपिंग है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं जापान की, तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, और येन क्या हो गई, करेंसी हो गई। और देखो जापान की बात करें तो जापान में एम्परर होते हैं जो कि कौन है, अकी हिटो है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं नेपाल की, तो करेंसी क्या होगी, नेपाल की कैपिटल होगी काठमांडू, करेंसी होगी रुपी, और विद्या देवी भंडारी है वो नेपाल की प्रेसिडेंट है। बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, वो दिया गया है कि हाल ही में जो दीपिका पल्लिकल और ज्योत्सना है, इन्होंने एशियन गेम्स है, एशियन गेम्स की बात यहाँ की जा रही है, तो एशियन गेम्स में स्क्वाश में, देखिए हमें लिखना भूल गई हूँ तो यहाँ आप लिख लीजिएगा स्क्वाश, देखिए यहाँ मैं लिख दे रही हूँ स्क्वाश, तो ये स्क्वाश में कौन सा पदक इन्होंने जीता है। तो देखिए दीपिका पालीकल और जो जोस्ना है, इन्होंने एशियाई गेम्स 2018 चल रहे हैं उनमें स्क्वाश में कांस्य पदक जीता है यानी कि ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, तो बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, वो दिया गया है कि हाल ही में CSE द्वारा एक प्रदूषण पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, तो हमें ये बताना है कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे कम प्रदूषित शहर है वो कौन सा है। तो देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे कम प्रदूषित शहर है वो है भोपाल, कौन सा है भोपाल, भोपाल की बात करें तो भोपाल है मध्य प्रदेश की कैपिटल है, ठीक है MP की, तो ये हमने देख लिया। और शिवराज सिंह चौहान है वो MP के क्या है, चीफ मिनिस्टर है, तो ये चीज हमने देख ली है। अब देखते हैं कि जो ये CSE है इसकी हम बात करते हैं, तो देखिए CSE की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म नोट डाउन कीजिएगा, इसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, क्या है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। और इसने क्या किया है कि हाल ही में 14 सिटीज की यानी कि 14 शहरों की रिपोर्ट जारी की है, लिस्ट जारी की है, जिसमें सबसे कम प्रदूषित शहर है वो है भोपाल। और देखिए अब रिपोर्ट की बात करें तो उस रिपोर्ट का नाम क्या एग्जैक्टली, तो देखिए नाम नोट डाउन कीजिए, रिपोर्ट का नाम है द अर्बन कम्यूट, क्या है, द अर्बन कम्यूट उस रिपोर्ट का नाम है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली हैं। तो देखिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल नामदेव अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटे के चिन्ह को दबा लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। इस वीडियो की PDF की बात करते हैं तो गाइस इस वीडियो की PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं और हर वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।